morning students. Today's topic is regrouping. What is the meaning of regrouping? Regrouping means we have to group the numbers again. Regrouping matlab fir se group karna. Let's see the first one. It is 7 tens plus 5 tens. 7 plus 5 is equals to 12. That means 7 tens plus 5 tens equal to 12 tens. 7 tens और 5 tens को जब हम लोग add करेंगे तो 7 plus 5 12 होगा. तो 7 tens plus 5 tens मिलके कितना हुआ? 12 tens. 12 tens को अब हम लोग को regrouping करना है. 12 tens equal to what? 10 plus 2. हम जब भी regrouping करेंगे 10 में regrouping करेंगे तो 10 tens that means 10 plus 2 tens. 12 tens equal to 10 plus 2 tens that means 10 tens and plus 2 tens. 10 tens. 10 into 10 is equals to what? 100. 10 बार अगर हम 10 को ऐड करते हैं 10 tens 10 को 10 बार ऐड करें या मल्टीप्लाई करें 10 को 10 से तो हमको कितना मिलता है 100 मिलता है. देख लेते हैं हम लोग 10 tens हमारे पास 10 तो 10 है 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tens का मतलब 10 हमारे पास 10 है तो हम लोग ऐड करते हैं 10 plus 10 20 20 plus 10 30 30 plus 10 40 40 plus 10 50 50 plus 10 60 then 70 80 90 100. तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं 10 tens मिलके हमको क्या मिला 100 और plus 2 tens that means ये जो 12 tens है 12 tens is equals to what 100 प्लस 2 tens दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 100 2 tens. ओके इसी तरह से एक और एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं एग्जांपल 2. ओके एग्जांपल 2 में अगर हमारे पास 8 ones है और 4 ones हाउ मेनी ones वी हैव 8 plus 4. 8 plus 4 is equals to 12. 12 ones. Same we have to regroup is 12 ones is equals to 10 ones plus 2 ones. 10 one है हमारे पास. 1 कितने है हमारे पास? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब हम लोग ऐड कर लेंगे. अगर हमारे पास 10 ones है तो कितना हुआ? जोड़ के देखते हैं. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ones give you what? 1, 10. And here is 2 ones remaining. So 12 ones is equals to 110 and 2 ones. Okay. Now the third example is 400 18 tens 14 ones is equals to how many hundreds, how many tens and how many ones? Let's see here. 400 18 tens 14 ones. We have to start from the rightmost side. 14 ones. 14 ones is equals to here let's see 110 and 4 1. We have to write it like 10 ones plus 4 ones and we know 10 ones is equals to what? 1 tens. 4 ones. यहाँ 14 ones को हम लोग लिख सकते हैं 10 ones plus 4 ones 10 plus 4 gives you 14. 10 ones 110 के बराबर है. अभी हमने देखा था कि 10 ones equal to 110 हो रहा है
और प्लस 4 1, तो इस तरह से 14 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 110 एंड 4 1s. सो वी हैव टू एड 10 टू द 10s. तो हमारे पास जो ये नंबर था 400s, 18 10s, 14 1s, तो यहाँ हमारे पास 1s के प्लेस पे क्या रह गया, 4 1s, 4 1s. और ये 110 जो है ये 10s में ऐड हो जाएगा, 18 प्लस 1 19 10s एंड द 100 प्लेसेस रिमेन सेम 400s. यहाँ अभी भी हमारे पास 19 10s है, तो 19 10s को हम लोग देखेंगे रिग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं. 19 10s मीन्स व्हाट, 10 10s, 9 10s. 19 को हम लोग 10 प्लस 9 लिख सकते हैं, तो 19 10s को 10 10s प्लस 9 10s, 10 10s मिलके हमको क्या देगा, 100. और ये रह गया 9 10s. तो जो हमारा नंबर, फिर से जो हमारा नंबर था उसको देखेंगे, 400s, 18 10s, 14 1s. इसको हमने लिखा था 400s, 19 10s, 4 1s. अब हम लोग देख रहे हैं कि 1s के प्लेस पे तो हमारा 4 1s है ही. ये 19 10s को अभी हमने डिसॉल्व किया 100 और 9 10s में, तो 10s प्लेस पे क्या रह गया, 9 10s. और 100 प्लेस पे 400 है, और ये 100 ऐड हो गया 400 में, तो कितना हुआ, 500s. तो इस तरह से हम लोग स्टार्टिंग में क्वेश्चन को देखेंगे, 400s, 18 10s, 14 1s इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, लास्ट में क्या बचा था, 4 1s. और 10s प्लेस पे हमारा बच गया था 9 10s, क्योंकि यहाँ पे 1 1s ऐड हो गया 18 में, तो 19 का 9 10s रह गया, और 1 जाके 100 प्लेस पे ऐड हो गया, तो 500s. ओके, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और उसको रीग्रुप कर सकते हैं. थैंक यू ऑल.